वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आज हम ग्रामर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेमिंग वर्ड्स नाउन मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का नाम बोलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है नाउन बोला जाता है ठीक है स्टार्ट करते हैं अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एन एनिमल और बर्ड मतलब किसी भी किसी भी चीज़ का नाम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी लिविंग थिंग हैं नॉन लिविंग थिंग हैं सभी का यदि हम किसी का भी नाम बोले तो वो क्या होता है नाउन किसी का भी नाम जैसे आपका नाम है मेरा नाम है तो कोई भी किसी का भी नाम को क्या बोला जाता है नाउन बोला जाता है ठीक है नेमिंग वर्ड्स आर एवरीवेयर टू बी सीन हम हर जगह नाउंस को देख सकते हैं ठीक है ठीके? जैसे ये पेंसिल है पेंसिल का नाम पेंसिल है तो ये क्या है इसका नाम नाउन ठीक है पेंसिल को पेंसिल बोला जाता है तो ये क्या है एक नाउन रबर को रबर बोला जाता है तो ये क्या है नाउन चलो आगे देखते हैं हु इज दैट मतलब ये कौन है दैट इज स्वाति ये स्वाति है स्वाति इज द नेम ऑफ पर्सन इस लड़की का नाम स्वाति है तो नाम क्या हुआ इसका नाउन ठीक है हु इज दिस दिस इज अनुज ये अनुज है अनुज इज द नेम ऑफ पर्सन ये इसका नाम है तो नाम क्या हुआ नाउन ठीक है आगे देखो व्हाट इज दिस दिस इज चेयर चेयर इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब चेयर का नाम चेयर है तो वो क्या है ऑब नाउन है ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का नाम क्या है नाउन देन व्हाट इज दिस दिस इज अ काउ ये क्या है काउ है काउ इज द नेम ऑफ एन एनिमल एनिमल का नाम काउ है नेक्स्ट देखो वेयर इज द रेड फोर्ट रेड फोर्ट कहाँ है द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली रेड फोर्ट कहाँ है दिल्ली में दिल्ली इज द नेम ऑफ प्लेस दिल्ली क्या है किसी जगह का नाम है ठीक है तो वो क्या हो गया नाउन उसी तरह व्हाट इज दिस ये क्या है दिस इज अ ताजमहल ये ताजमहल है द ताजमहल इज द नेम ऑफ अ थिंग तो ताजमहल का नाम ताजमहल है तो वो क्या है किसी चीज़ का नाम है तो वो क्या है नाउन है ठीक है एवरी थिंग हैज़ ए नेम किसी भी चीज़ का नाम होता है पीपल हैव नेम प्लेस प्लेसेस हैव नेम ऑब्जेक्ट्स हैव नेम मतलब लोगों के नाम होते हैं जगह का नाम होता है और किसी चीज़ का नाम होता है एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट हैव नेम एनिमल्स बर्ड्स और जानवरों का भी नाम होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैव नेम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी नाम होता है नेम ऑफ पीपल प्लेस एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल नाउन किसी भी चीज़ का नाम को क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं ठीक है आगे देखते हैं कॉमन नाउन ठीक है कॉमन नाउन होते हैं जनरल नेम्स आर कॉल कॉमन नाउन दे डू नॉट बिंग कैपिटल लेटर मतलब जो कॉमन होते हैं जो सामान्य होते हैं ठीक है डॉक्टर सपोज एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जैसे अगर डॉक्टर अरुण बोला जाए ठीक है जैसे तो डॉक्टर है डॉक्टर तो दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन अगर डॉक्टर अरुण बोला जाए डॉक्टर वरुण बोला जाए डॉक्टर शिखा बोला जाए डॉक्टर सोनल बोला जाए किसी एक व्यक्ति का नाम बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन ठीक है दो तरीके के नाउन होते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ओके डॉक्टर पोस्टमैन कारपेंटर कॉबलर ये क्या है कॉमन नाउंस हैं दीज ऑल आर द नेम ऑफ पीपल ये सभी लोगों के नाम हैं नेमिंग वर्ड सच एज दीज आर कॉल नाउंस नेम ऑफ ऑल दीज पीपल्स आर कॉमन नाउंस सभी के नाम क्या है कॉमन है उसी तरह एनिमल्स के नेम देखो रैबिट हॉर्स बियर शीप है ना तो ये क्या है कॉमन नेम्स हैं तो ये क्या है कॉमन नाउन है नाइफ फैन बुक टेबल बॉल चेयर पेंसिल रबर बॉटल ये सब क्या है किसी चीज का नाम है तो ये क्या है कॉमन नाउन स्कूल पार्क टेम्पल बैंक हॉस्पिटल है ना सिनेमा हॉल ये सब क्या है इसी जगह का नाम है सो ये क्या हो गया कॉमन नाउन ठीक है दीज ऑल आर द नेम ऑफ प्लेसेस नेमिंग वर्ड्स दीज आर कॉल्ड नाउन्स मतलब ये सभी जगह के नाम है तो ये क्या हुआ है कॉमन नाउन ठीक है तो यदि हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का नाम तो वो क्या हो जाता है नाउन ओके okay, तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं फिलिंग द ब्लैक्स कॉमन नाउन विद द हेल्प ऑफ गिवेन क्लूज यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको फिल करना है ठीक है आई मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड मैं लकड़ी से चीज़ें बनाता हूँ आई एम आ कारपेंटर ठीक है आई फाइट द एनीमी ऑफ द ऑफ़ माई कंट्री मतलब मैं अपने देश के देश की रक्षा करता हूँ और देश के दुश्मनों की दुश्मनों को दुश्मनों से लड़ता हूँ तो आई एम अ सोल्जर ठीक है आई ट्रीट यू वेन यू आर इल जब आप बीमार होते हो तो मैं आपको ठीक करता हूँ आई एम अ डॉक्टर आई ब्रिंग यू लेटर्स कौन आपके पास लेटर्स लेके आता है पोस्टमैन आई कैच द robbers मतलब कौन चोरी करने वालों को पकड़ता है पुलिस मैन आई ग्रो अप आई ग्रो क्रॉप्स मैं अनाज उगाता हूँ तो आई एम अ फार्मर ठीक है तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू